तो वहीं कोरोना से दुनिया भर के बाजार धराशाही हो गए। भारतीय शेयर बाजार भी लगातार गिरावट का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि डाउ जोन्स और नैस्डेक में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजार में आई गिरावट को मंदी की दस्तक माना जा रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट 2008 में आई थी। गुरुवार को सेंसेक्स 2919 अंक तक टूटा। निफ्टी भी 868 अंक गिरकर बंद हुआ। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट के कारण गुरुवार को देश के शेयर मार्केट में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोमवार को ही शेयर मार्केट में 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। एक महीने में भारत के शेयर मार्केट में करीब 33 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कोरोना की वजह से दुनिया को 600 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। देश की आर्थिक हालत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो हुआ वो सबके सामने है। बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। जो स्टॉक मार्केट में आज हुआ, जो कल हुआ, जो लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और जो इकोनॉमी की हालत है वो आप सबको क्लियरली दिख रही है। कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पर भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। बाजार के जानकारों के मुताबिक मंदी का सामना कर रहे भारत की अर्थव्यवस्था पर लगातार हो रही इस गिरावट का भारी असर पड़ेगा। कोरोना की वजह से भारत की जीडीपी 1% और गिर सकती है। 1% जीडीपी गिरने से सीधे 16 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कोरोना वायरस से भारत के पर्यटन और निर्यात पर असर पड़ेगा। अब प्रॉफिट कमाने से ज्यादा बिजनेस को बचाने की चुनौती है। तो ये कुछ वक्त तक चलेगा जब तक कि देखिए कोरोना वायरस का ये जो चिंताएं हैं ये थम नहीं जाती हैं और इसका के कोई एक सोल्यूशन नहीं खोजा जाता, इसका कोई एक दवा नहीं निकाली जाती है, तब तक आप देखेंगे कि इसी तरह से मार्केट फिसलते चले जाएंगे। बाजार हमेशा आगे का सोचता है और बाजार आने वाले वक्त में जो चिंताएं सामने आ सकती हैं उनके बारे में आज ही अपनी प्राइसेस में उसको दिखाता है। तो वही होता हुआ हम देख रहे हैं और उसी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में देखने को मिलती है। विदेशों से लोगों के आने पर पाबंदी से पर्यटन और विमानन क्षेत्र को 8,500 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में यात्रा पर एक महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे होटल, विमानन और पर्यटन क्षेत्र में नौकरियां जाएंगी। टूर ऑपरेटरों को अपनी आमदनी में 60% से ज्यादा गिरावट आने की आशंका है। भारत को विदेशी पर्यटकों के आने से हर साल करीब 2,200 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अब लास्ट जो रीडिंग आई थी हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.2 थी, अब 4.7 पे आ गई है। अब समझ लीजिए कि इसके साथ 1% और भी जा सकती है नीचे। और आपको समझना ये पॉइंट्स नंबर्स नहीं है खाली, कि ये लोगों की जिंदगी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और एसोचेम का कहना है कि पर्यटन और विमान क्षेत्र की कंपनियां गैर जरूरी मैन पावर में कटौती करने को मजबूर हो रही हैं और नई भर्तियां रोक दी गई हैं। देश के होटल उद्योग को भी कोरोना वायरस से बड़ा नुकसान हो रहा है। होटल्स के कमरों की बुकिंग कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है और नई बुकिंग पूरी तरह ठप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अलग अलग तरीके से लोग इससे बचने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन अभिनेता अमिताभ बच्चन ने देसी अंदाज में इससे बचने के उपाय बताए हैं, आप भी सुनिए।
बहुतेरे इलाज बतावे जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावे जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन की ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोले सब, हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोले सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए जी न्यूज़।